हेलो गाइस <coughs> इस बार हम एनडीए के बेसिस पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए उन पे डिस्कस करेंगे ठीक तो पहले शुरुआत करेंगे फर्स्ट लेसन से डाइवर्सिटी के बारे में ठीक इस लेसन से ही शुरुआत करेगा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड कि ये पूरा का पूरा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे उनके बेसिस पे ये अभी लेक्चर शुरू हो गए <coughs> तो देखेंगे एक एक पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि स्टेटमेंट दिए कुछ फर्स्ट और सेकंड उनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है या फिर दोनों का रिलेशन ढूंढना है ये ऑप्शन से आपको समझ जाएगा तो स्टेटमेंट फर्स्ट है बैट्स कैन कैच देयर प्रे इन डार्कनेस ऑफ नाइट ठीक है बैट्स जो होंगे वो अपना शिकार ढूंढ सकते जहाँ पर लाइट नहीं होगा यानी रात में भी वो अपना शिकार ढूंढ सकते बैट्स कैन प्रोड्यूस एंड डिटेक्ट अल्ट्रासोनिक वेव्स बैट्स अल्ट्रासोनिक वेव्स फॉर्म कर सकते और उनको वो कैप्चर भी कर सकते यानी अगर बैट्स यहाँ पर होगा अगर यहाँ पर उसका प्रिय होगा तो क्या होगा ये अल्ट्रासोनिक वेव्स फॉर्म करेगा और यही वेव्स क्या होगा रिफ्लेक्ट होकर फिर से बैट की बैट की तरफ आएगा अगर रिफ्लेक्ट हुआ तो इस डिस्टेंस से बैट को पता चलेगा कि ये प्रे कितना बड़ा है और कितना दूर है ये जो रिफ्लेक्शन का मेकेजम है वेव्स रिफ्लेक्शन में तो इससे बैट क्या करेगा ढूंढेगा हालांकि बैट को आंखें नहीं होगी वो रात में ही एक्टिवेट होगा नॉक्चरनल एनिमल्स में गिना जाएगा <coughs> तो यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सा क्लियर आएगा वो देखिए अभी ठीक है द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन ठीक बोल सकते हैं क्योंकि ये इसका रीजन है सही है बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन अगर बैट अल्ट्रासोनिक वेव्स डिटेक्ट नहीं करता तो वो नाइट में रात में अपना प्रे कैसे कैच करेगा पॉसिबल ही नहीं विदाउट अल्ट्रासोनिक साउंड तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज़ फॉल्स ये भी गलत होगा स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू ये भी गलत होगा यहाँ पे दोनों सही है स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू यहाँ पे दोनों सही है लेकिन जो स्टेटमेंट सेकंड है वो एक्चुअल स्टेटमेंट है और इसका रीज़न ये होगा इसका इसका जो रीज़न होगा ये ये होगा ये क्वेश्चन क्लियर होगा नेक्स्ट देखेंगे वॉट आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मतलब क्या अब देखिए एनिमल्स दो तरह के होते हैं एनिमल्स यहाँ पे दो तरह के होते हैं कोल्ड ब्लडेड और दूसरा हॉट ब्लडेड अब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड मतलब कि अगर ये एनिमल होगा और ये इसका एनवायरनमेंट होगा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर समझिए कुछ भी होगा इन्वायरमेंटल टेम्परेचर चेंज हुआ है अप या कम हो रहा है तो इसका बॉडी टेम्परेचर भी क्या होगा कम ज़्यादा होगा इसका बॉडी टेम्परेचर भी क्या होगा कम ज़्यादा होगा एनिमल का भी बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे कम ज़्यादा होगा उसे क्या कहेंगे कोल्ड ब्लडेड एनिमल सेकंड अगर देखा जाए हॉट ब्लडेड एनिमल अगर ये एनिमल होगा और यहाँ पे इसका एनवायरमेंट होगा तो एनवायरमेंट का टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो ही सकता है कोई बात नहीं लेकिन इसमें इस एनिमल में, इस में इसका टेम्परेचर कम ज्यादा नहीं होगा इसका टेम्परेचर जो है वही मेंटेन रहेगा इसका टेम्परेचर क्या होगा जो है वही मेंटेन रहेगा इसलिए इसे क्या कहेंगे हॉट ब्लडेड एनिमल या फिर वार्म ब्लडेड एनिमल और इसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहेंगे इसको ठीक ये क्लियर है अब इसके बेसिस पे हम देखेंगे ये क्वेश्चन के बेसिस पे कौन से ऑप्शन सही होगी ठीक वाटर क्लोड एनिमल एनिमल विद ब्लड विदाउट हीमोग्लोबिन कोई पॉसिबिलिटी नहीं है विदाउट हीमोग्लोबिन अगर एनिमल के बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं है तो उसके बॉडी के अंदर हीमोसाइनिन प्रेजेंट होगा हीमोग्लोबिन मतलब उसका ब्लड रेड होगा हीमोसाइनिन मतलब उसका ब्लड ब्लू होगा उसका जो खून होगा वो ब्लू कलर का दिखेगा और हीमोग्लोबिन में क्या होगा उसका खून रेड कलर का दिखेगा अगर जिसमें हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो उसका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं हो सकता अब एनिमल विद ब्लड विदाउट हीमोग्लोबिन पॉसिबल नहीं एनिमल हु आर नॉट फेरोशियस ना फेरोशियस फेरोशियस मतलब कि ये किसी भी टेम्परेचर में सर्वाइव हो सकता है यानी लॉन्ग टर्म के लिए एनिमल हुज बॉडी टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट अब कॉन्स्टेंट मतलब ये कंडीशन आ जाएगा रिमेन कॉन्स्टेंट मतलब ये कंडीशन आएगा आ जाएगा यहाँ पर कॉन्स्टेंटली रह, रह रहा है बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली यहाँ पे फॉर्म हो रहा है यानी हॉट ब्लडेड या फिर वार्म ब्लडेड हम इसे कहेंगे क्वेश्चन में कोल्ड ब्लडेड पूछा है नेक्स्ट ऑप्शन अगर देखें एनिमल हुज़ बॉडी टेम्परेचर वेर इज अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर ये कंडीशन सही हो रहा है यानी कोल्ड ब्लडेड में ये जो है जैसे बॉडी का टेम्परेचर कब चेंज होगा जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज होगा यहाँ पे तो उसे क्या कहेंगे कोल्ड ब्लडेड एनिमल तो यहाँ पे डी क्या होगा सही रहेगा बाकी ये तीनों गलत रहेंगे <coughs> ठीक नेक्स्ट अगर देखे थे तो विच वन अमंग द फॉलोइंग एनिमल गिव बर्थ टू द बिगेस्ट बेबी ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा बेबी फॉर्म करेगा जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा बेबी फॉर्म यहाँ पे करने वाला है तो एलिफेंट एलिफेंट उसके बॉडी के हिसाब से बेबी फॉर्म करेगा राइनोसोरस हिप ब्लू वेल या फिर हिपो ये इनके बॉडी के जो साइज़ होगा उसके बेसिस पे ये बेबीज फॉर्म करेगी जितना बड़ा साइज उतना बड़ा बेबी जितना छोटा साइज उतना छोटा बेबी तो इसमें से सबसे बड़ा किसका होगा इसमें सबसे बड़ा साइज किसका होगा सबसे बड़ा साइज इसमें से ब्लू व्हेल का होगा सबसे बड़ा साइज किसका होगा ब्लू वेल का तो ब्लू व्हेल यहां पे सही आंसर रहेगा तो ब्लू व्हेल का जो बेबी होगा वो इन में से सबसे बड़ा बेबी होगा ब्लू वेल ठीक विच वन अमंग द फॉलोइंग एनिमल इज अ मैमल इसमें से मैमल कौन सा है अब मैमल मैमल के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते मैमल के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं तो एक तो उसके बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं यानी ऐसे ये हेयर्स होंगे हेयर्स होंगे मतलब क्या होगा मैमल्स होगा ठीक <coughs> दूसरा क्या दूसरा और मेन कैरेक्टरिस्टिक इनके बॉडी में मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होगा जो फीमेल होगा उनके बॉडी में मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होगा जो यंग वन होगा उसको नरिश करने के लिए यानी मिल्क प्रोडक्शन का कैपेसिटी उनमें प्रेजेंसी दिखाएगा उसे क्या कहेंगे मैमरी ग्लैंड ठीक तो इसमें से ग्रेट इंडियन बस्टार्ड ये जो है ये बर्ड है घरियल ये भी बर्ड है प्लाटिपस ये बर्ड नहीं है लेकिन ये एक्वेटिक एनिमल है एक्वेटिक प्लस टेरेस्ट्रियल बोल सकते और हॉर्नबिल ये भी बर्ड है तो इसमें से एक ही ऑप्शन ऐसा आ रहा है डिफरेंट आ रहा है प्लाटिपस यहाँ पे एक ऑप्शन डिफरेंट आ रहा है प्लेटिपस तो प्लाटिपस यहां यानी मैमल्स तो होगा लेकिन मैमल्स का एक्सेप्शन होगा प्लाटिप क्या होगा मैमल्स का एक्सेप्शन ये मैमल्स का क्या होगा एक्सेप्शन होगा अब एक्सेप्शन कैसे होगा मैमल्स का एक्सेप्शन कैसे होगा एक तो इसमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होगा ठीक इसके बॉडी के ऊपर हेयर होगा लेकिन इसके बॉडी पे मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होगा <coughs> तो मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होगा तो ये बच्चों को जन्म भी नहीं देगा ये क्या करेगा ओवीपेरिसिटी दिखाएगा ये ओविपेरस होगा ओवीपेरस मतलब अंडे देने वाली ओवीपेरस मतलब अंडे देने वाली ये एक प्रोड्यूस करेगा ये एक प्रोड्यूस करेगा लेकिन मैमल होगा लेकिन क्या होगा मैमल उसके बॉडी के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट हो गए एक ही ऐसा एनिमल होगा जो एक्सेप्शन होगा में प्लाटिपस। ठीक बाकी ये जो ग्रेट इंडियन बस स्टार्ट या फिर हॉर्नबिल ये जो है ये बर्ड है, बर्ड में आएंगे एव्स में आएंगे और प्लेटिपस मैमल्स में आएगा ठीक विच वन अमंग द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट अंडरगो पीरियॉडिक मोलिंग मोल्टिंग ऑफ देयर एक्सटर्नल बॉडी तो ऐसे कौन से एनिमल्स यहाँ पर प्रेजेंट है इन ऑप्शन में कि जो मोल्टिंग करने के लिए मोल्टिंग मौल, कर सकते मोल्टिंग मोल्टिंग मतलब क्या होगा मोल्टिंग मतलब कि ये अगर बॉडी होगा ये अगर बॉडी होगा तो ये आउटर स्किन शेडिंग कर देगा ये जो आउटर स्किन होगा ये क्या करेगा ये निकाल देगा और इसके ऊपर नया स्किन आ जाएगा आउटर की निकालना मतलब क्या है मोल्टिंग आउटर की निकालना मतलब मोल्टिंग <coughs> अब ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि इसमें से चार ऑप्शन में दी है तो इसमें से इस मोल्टिंग कौन नहीं करेगा इसमें से मोल्टिंग कौन नहीं करेगा तो वही हम देखेंगे कि मोल्टिंग कौन नहीं करेगा तो कॉकरोच कॉकरोच यहाँ पे क्या होगा मोल्टिंग करेगा कॉकरोच यहाँ पे क्या होगा मोल्टिंग करेगा मोल्टिंग करेगा तो कैसे करेगा ये जब ये छोटा होगा कॉकरोच का बच्चा होगा तो उसके बॉडी के ऊपर ना पंख हो ना कुछ होगा ये उड़ नहीं सकता यानी कोई कॉकरोच उड़ता नहीं लेकिन कुछ एडल्ट जो होते वो शॉर्ट टर्म के लिए उड़ते यानी यहाँ से उड़ के यहाँ जाएंगे यहाँ से उड़ के यहाँ जाएंगे यहाँ से उड़ के यहाँ जाएंगे ऐसा हो सकता है लेकिन पूरा ऐसा उड़ के ये इस पोजिशन पर नहीं जा सकता बर्ड जैसा बर्ड जैसा ये नहीं जा सकता ये इंसेक्ट होगा और मोस्टली इंसेक्ट ये मोल्टिंग करने वाले जितने भी इंसेक्ट यहां पे प्रेजेंट हो वो सारे मोल्टिंग करने वाले मोल्टिंग ये मैकेनिज्म ये कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फाइलम ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम्स तो यहां पे अगर कॉकरोच इसका फाइलम इंसेक्टा होगा कॉकरोच इसका फाइलम क्या होगा सॉरी इंसेक्ट फाइलम क्या होगा इसका आर्थ्रोपोड़ा फाइलम क्या होगा आर्थ्रोपोडा तो आर्थ्रोपोडा पोड़ा पोड़ा मतलब क्या होगा यहां पे लेग्स पोड़ा मतलब लेग्स और आर्थ्रोस आर्थ्रोस मतलब जॉइंटेड आर्थ्रोस मतलब जॉइंटेड यहां पे इनके लेग्स क्या होंगे जॉइंट होंगे जॉइंटेड लेग्स यहां पे दिखेगी आपको तो कॉकरोच में जॉइंटेड लेग्स होगा या अर्थ्रोपोड़ा में आएगा इंसेक्ट होगा तो शेडिंग ये करेगा मोल्टिंग ये करेगा यानी जैसे ये छोटा बच्चा होगा छोटा बच्चा होगा तो ये क्या करेगा मोल्टिंग कर करके अपना साइज बढ़ाएगा मोल्टिंग ये फिर से करेगा ये अपना साइज़ बढ़ाएगा मोल्टिंग फिर से करेगा ये अपना साइज और बढ़ाएगा और इसे हम एडल्ट कहेंगे इसे हम क्या कहेंगे एडल्ट। यानी जब छोटा होगा तो ये मोल्टिंग करेगा एडल्ट कोबरा यानी सांप सांप तो मोल्टिंग करेगा देखा होगा आपने कहीं भी कंपाउंड के ऊपर या फिर किसी भी पेड़ के ऊपर जहाँ पे नुकीला पार्ट होगा वहाँ पे कोबरा क्या करेगा अगर ये कोबरा होगा तो यहाँ पे कोई नुकीला पार्ट होगा तो ये नुकीला नुकीले पार्ट को अपना मुंह ये घिसेगा नुकीले पार्ट को अपना मुंह घिसेगा यहाँ से जब एक होल गिरेगा तो इस होल से वो एग्जैक्टली exactly ऐसे बाहर आ जाएगा और आउटर स्किन पीछे ही रहेगा आउटर स्किन पीछे कात भी बोलेंगे उसको सांप की कात तो वो क्या होगा मोल्टिंग अर्थवर्म अर्थ ये मोल्टिंग नहीं करेगा अर्थवर्म ये मोल्टिंग नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा क्योंकि इसका फाइलम इसका फाइलम होगा एनेलिडा इसका फाइलम होगा एनेलिडा एनेलिडा इसमें एनि एन्युलस इसमें एन्युलनुलस मतलब रिंग एनुलस मतलब रिंग और जिस एनिमल्स का बॉडी रिंग रिंग से बना है ये ऐसे रिंग के ऊपर रिंग रिंग के ऊपर रिंग ऐसे रखरे ऐसे ऐसा बॉडी बना होगा उसे किस फाइलम में जगा दिया है एनिलिडा एनिलिडा में ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा तो अर्थफर्म इसमें आएगा तो अर्थ फॉर्म जो होगा ये मोल्टिंग नहीं करेगा सेम ड्रैगन फ्लाई ड्रैगन फ्लाई भी क्या करेगा मोल्टिंग करेगा क्यों क्योंकि ये दोनों कॉकरोच और ड्रैगन फ्लाई ये दोनों एक ही फाइलम में आएगी अर्थ्रोपोडा में कोबरा रेप्टिलिया रेप्टिलिया क्लास में आएगा कोबरा रेप्टिलिया क्लास में आएगा जो सरपेंटाइंस भी कहेंगे उनको और अर्थफम एनलेडा फाइलम में आएगा कि जिसका बॉडी रिंग से बना होगा ये मोल्टिंग यहां पे नहीं करेगा जो आउटर बॉडी का कवरिंग होगा लेयर भी कहेंगे उसको नहीं निकालेगा डेड सेल का लेयर ये नहीं निकाल सकता क्लियर ठीक विच वन अमंग द फॉलोइंग ग्रुप इज द मोस्ट एबेंडेड इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ स्पीसी आइडेंटिफाइड तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स इसमें से कौन सा ग्रुप ऐसा है इज द मोस्ट अबंडेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्पेसिस आइडेंटिफाइड से ऐसा ग्रुप कौन सा है कि जिसमें सबसे ज्यादा स्पेसिस के नंबर मिले हैं यानी सबसे ज्यादा स्पेसिस इंक्लूड है उसमें सबसे ज्यादा स्पेसीज उसमें इंक्लूड होगी फंगाई ग्रीन प्लांट्स बैक्टीरिया फिर इंसेक्ट इसमें फंगाई बैक्टीरिया इनका ऑलरेडी कम होगा इनका ऑलरेडी कम होगा इनमें से बैक्टीरिया का कम होगा और फंगाई का इससे ज़्यादा होगा यानी बैक्टीरिया पहले आएगा कम में उसके बाद फंगाई उसके बाद प्लांट्स और सबसे ज़्यादा स्पीशीज जो हो गए वो इंसेक्ट में हो गए इंसेक्ट यानी कॉकरोच जैसे हमने देखा था कॉकरोच या फिर ड्रैगन फ्लाई जो लास्ट के क्वेश्चन में हमने देखा था वो इंसेक्टा में आएगा यानी फाइलम अर्थ्रोपोडा जो इंसेक्टा में आएगा इंसेक्टा क्या होगा सबसे ज़्यादा स्पेसिस वाला फाइलम होगा सबसे बड़ा फाइलम सबसे बिगेस्ट फाइलम ऑन अर्थ जितने भी अर्थ में स्पेसिस मिलेंगे सबसे ज़्यादा स्पेसिस मिलने वाले फाइलम अर्थ्रोपोडा में फाइलम अर्थरोपोडा में सबसे ज़्यादा स्पेसिस मिलने वाले ध्यान में रखना है और दूसरा दो नंबर का जो फाइलम होगा वो मैम सॉरी वो क्या होगा मोलुस्का वो क्या होगा मोलुस्का यानी स्नेल वाला स्नेल ऑक्टोपस ये इस फाइलम में आएगी तो इस क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर कौन सा होगा इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ पकड़ के रखने वाला अर्थ पे फाइलम होगा यानी ये एक ऐसा ग्रुप होगा कि जिसमें सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ मिलेगी नेक्स्ट अगर देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हनी बीज के बारे में इन हनी बीज ठीक सही है इन हनी बीज हनी बीज के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है तो मेल आर हैप्लॉयड होगा हैप्लॉइड होगा मतलब एन नंबर के क्रोमोजोम होंगे इसमें डिप्लॉयड मतलब इसमें डबल नंबर होगा डिप्लॉड मतलब क्या होगा इसमें टू एन होगा और हेप्लॉड मतलब सिर्फ एन यहाँ पे हम प्रेडिक्ट करेंगे यहां पे दिखाएंगे तो मेल्स हैप्लॉड होगा अगर हनी बीस का बॉडी देखा जाए अगर हनी बीस का बॉडी देखा जाए तो उसमें थर्टी टू क्रोमोजोम होगी थर्टी टू क्रोमोजोम होगी और पेयर में अगर देखा जाए तो सिक्सटीन पेयर होगी सिक्सटीन क्या होंगे क्रोमोजोम के सिक्सटीन पेयर्स होंगे इसमें अगर हम हैप्लॉयड और डिप्लॉयड इसमें अगर दोनों का हम कन्वर्जन करें सेपरेशन करें तो क्या होगा अब देखिए यहाँ पे 32 का अगर ये डिप्लॉयड है 32 इसका अगर हैप्लॉयड में कन्वर्ट किया इसका अगर हैप्लॉयड में कन्वर्ट किया तो ये कितना आएगा 16 और 16 पेयर नहीं होंगे यहाँ पे 16 सेपरेट क्रोमोजोम होंगे इस यहाँ पे 16 सेपरेट क्रोमोजोम होंगे तो ये जो 16 वाला क्रोमोजोम होगा ये मेल होगा ठीक मैं यानी मेल हैप्लॉयड हो गए ये सही होगा ये सही होगा वर्कर आर स्टराइल एंड डिप्लॉयड ये भी सही है वर्कल क्या वर्कर्स बीज क्या होगी डिप्लॉयड हो गए यानी थर्टी टू क्रोमोजोम होगा वर्कर्स में लेकिन इस स्टराइल होगी लेकिन ये क्या होगी स्टराइल अब स्टराइल हो गए मतलब क्या होगा स्टराइल मतलब क्या स्टराइल मतलब कि वो लिविंग थिंग्स तो हो गए लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते लिविंग थिंग्स हो गए लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते लिविंग थिंग्स हो गए लेकिन रिप्रोड्यूस ये नहीं कर सकते इसलिए इसे क्या कहेंगे स्टराइल और जो रिप्रोड्यूस करेगा उसे फर्टाइल कैंडिडेट कहेगी तो वर्कर यहां पे स्टराइल होगा और डिप्लॉयड होगा डिप्लॉयड नेचर दिखाएगा लेकिन स्टेरिलिटी इसमें प्रेजेंस होगा मेल हैप्लॉयड होगा लेकिन फर्टाइल होगा मेल हैप्ल होगा लेकिन फर्टाइल हो हो यहां पे होगा यानी रिप्रोडक्शन कर सकता है और वर्कर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता दोनों से होगी क्वीन डेवलप्स फ्रॉम डिप्लॉयड लार्वा क्वीन डेवलप्स फ्रॉम डिप्लॉयड लार्वा दैट फीड ऑन रॉयल जेली अब क्वीन ऐसा एक बी होगा कि जो रॉयल जेली जब खाएगा तब उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ेगा रॉयल जेली का मेटाबॉलिज्म यहां पे बढ़ेगा और जब बढ़ेगा तो इसका मेटाबॉलिज्म बढ़ने के बाद इसका जो शेप है ये क्या होगा बड़ा होगा यानी जो रॉयल जेली खाएगा उसका शेप बड़ा होगा और जो रॉयल जेली नहीं खाएगा उसका शेप छोटा होगा और जो नहीं खाएगा वो छोटा होगा अब छोटे हो, छोटा होगा तो यहाँ पे एक तो ये मेल होगा या फिर वर्कर होगा यानी ड्रोन होगा या फिर वर्कर होगा ऐसा हम कह सकते ठीक है और जो खाएगा वो सबसे बड़ा होगा अब बड़ा होगा तो ये फीमेल कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक ये दिखाएगा <coughs> तो हम उसे क्वीन भी कहेंगे ये मोस्टली सिर्फ एक ही काम होगा इसका रिप्रोडक्शन करना अंडे देना सिर्फ एक ही काम होगा और एक छत्ते में एक ही क्वीन यहाँ पे रहेगा एक छत्ते में दो क्वीन्स यहाँ पर कभी रह नहीं सकते ये भी सही होगा <coughs> थर्ड वाला भी सही होगा अब अगर फोर्थ देखेंगे हनी इज कलेक्टेड मेड बाय मेल्स ठीक हनीम ये मेल्स फॉर्म करेगा या फिर मेल कलेक्ट करके लाएगा और अपने छत्ते में रखेगा हनी कॉम में ये रखेगा तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि सिर्फ मेल ही हनी कलेक्ट करेगा और अपने छत्ते में लाएगा तो वर्कर क्या करेगे स्टेरिलिटी तो होगा ही उनमें वर्कर करेगे क्या लेकिन ये स्टेटमेंट गलत होगा यहाँ पे वर्कर कलेक्ट करेगी यहाँ पे वर्कर्स क्या करेंगे कलेक्ट करेंगे और मेल्स भी यहाँ पे कलेक्ट करेंगे यानी ड्रोन्स और वर्कर यहाँ पे दोनों काम करने वाले हनी कलेक्शन के लिए दोनों काम करेंगे लेकिन कैसे करेंगे सबसे ज्यादा काम जो करेगा वो वर्कर करेगा उसके बाद ड्रोन्स करेंगे उसके बाद ड्रोन्स करेंगे यानी अगर यहाँ पे कॉम होगा अगर यहाँ पे हनी कॉम होगा यहाँ पे तीन मधुमक्खियाँ होंगी एक तो क्वीन होगा दूसरा वर्कर होगा और थर्ड ड्रोन्स हो गए तो पहले वर्कर जाएंगे किसी एरिया में अगर इस एरिया में ज़्यादा फ्लोरिलेशन है ज़्यादा फूल है फल फूल है तो यहाँ पे जाएंगे यहाँ पे देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है मतलब इस ये जो फूल है इस फूल में नेक्टार प्रेजेंट है कि नहीं हनी प्रेजेंट है कि नहीं ये देखेंगे अगर होगा तो ये क्या करेंगे कुछ वर्कर बीज़ फिर से लौट के आएंगे, कुछ वर्कर भी यहाँ से फिर से लौट के आएंगे और ड्रोन्स को सिग्नल देंगे विद द हेल्प ऑफ डांस विद द हेल्प ऑफ डांस डिफरेंट टाइप के ये डांस करेंगे ऐसे में करें। में करें। मोशन में ये डांस करेगी यानी ऐसे मोशन में ये डांस करते हैं, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज उड़ेंगे, उड़ते उड़ते ये क्या करेंगे ऐसा 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 डांस दिखाएंगे यानी ये क्या करेंगे डायरेक्शन उनको समझाएंगी कि कौन से हिस्से में हमें हनी मिल सकता है कौन से हिस्से में हमें हनी मिल सकता है तो ये ड्रोन्स इस डायरेक्शन को पढ़ के उस छत्ते में आ उस एरिया में जाएंगे और वहाँ से हनी कलेक्ट करके लेके आएंगे यानी दोनों वर्कर और ड्रोन्स दोनों ये हनी कलेक्ट करके लेके आएंगे और क्वींस क्वींस छत्ते में ही रहेगा उसका एक काम होगा रिप्रोडक्शन का क्वीन क्या क्वीन क्या, क्या करेगी छत्ते में ही रहेगी उसका एक काम हुआ रिप्रोडक्शन का यहां पे वर्कर टोटली बाहर निकलेगी हनी कलेक्शन के लिए ड्रोन्स आधे वही रहेंगे आधे बाहर निकलेगी ठीक यानी यहां पे ऑप्शन क्या सही होगा देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है फर्स्ट सेकंड थर्ड तो करेक्ट है फोर्थ यहां पे करेक्ट नहीं है फोर्थ यहाँ पे गलत है तो ऑप्शन कौन सा सही होगा वन टू थ्री फोर ये भी गलत है टू थ्री ये भी गलत है वन टू थ्री हां ये सही है फोर नहीं है इसमें ये भी गलत है यानी थ्री जो सी ऑप्शन है यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट अगर देखें विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट लीव्स आर नॉट यूज फॉर रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म सेरिकल्चर भी कहेंगे रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म मतलब क्या होगा सेरिकल्चर सेरिकल्चर अब सेरिकल्चर सेरिकल्चर में मोस्टली सिल्क वर्म यूज करेंगे तो सिल्क वर्म यूज करना मतलब क्या करना है उनको पालना सिल्क वर्म को पालना अब सिल्क वर्म को कैसे पालेंगे सिल्क वर्म ये ऐसा एक वर्म होगा कि जो ककून फॉर्म करेगा <coughs> यानी बटरफ्लाई उसके बाद बटरफ्लाई फॉर्म होगा अगर इसका हम लाइफ साइकिल देखेंगे इसका हम लाइफ साइकिल देखें तो क्या कैसे होगा ये तो यहाँ पे अंडे हो एक्स ये एक हैच होके यहाँ से वर्म बाहर 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 निकलेगा इसे क्या कहेंगे सिल्क वर्म। ये पत्तों के ऊपर डिपेंड रहेगा और यही क्वेश्चन हमें पूछा गया है यही क्वेश्चन हमें पूछा गया है ये पत्ते जो होंगे ये किस प्लांट के यहाँ पे यूज़ होने वाले तो ये पत्तों के ऊपर ये पत्ते खाएगा खाएगा तो ये साइज बढ़ाएगा साइज बढ़ाएगा तो जैसे ये साइज बढ़ाएगा जब अनफेवरेबल uh, कंडीशन आएगा या फिर मैच्योर होगा तो ये क्या करेगा सलाइवा सिक्रेट करेगा ये सलाइवा सिक्रिट करेगा सलाइवा सिक्रेट करने के बाद इसके बॉडी के ऊपर वो सलाइवा पूरा स्प्रेड करेगा और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाएगा सलाइवा स्प्रेड करेगा और ये सलाइवा जब एनवायरमेंट से कनेक्ट होगा वो सॉलिड फॉर्म में आएगा यानी जैसे माउथ से एक सलाइवा यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में आ गया तो जैसे एनवायरमेंट से कनेक्ट होगा तो ये एज अ थ्रेड जैसा ये दिखेगा थ्रेड जैसा ये दिखेगा और ऐसे थ्रेड 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 मिला के क्या होगा इसका ये ककून फॉर्म होगा इसका ये ककुन यहाँ पे फॉर्म होने वाला है और ककुन के अंदर ये अपना वर्म होगा यानी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ये फॉर्म करेगा जब ये मैच्योर होगा मैच्योर होगा मतलब इसमें मेटामॉर्फोसिस होगा इसमें क्या होगा मेटामॉर्फस होगा तो जब बाहर आएगा तो ये क्या होगा एक एज अ बटरफ्लाई फॉर्म होगा यानी ये वर्म नहीं रहेगा ये इससे क्या होगा पंख और बड़े बड़े पैर आ जाएंगे पंख और बड़े बड़े पैर यहाँ पे आएंगे यानी ये इंसेक्ट होगा ये क्या होगा इंसेक्ट होगा और ये फिर से क्या करेगा रिप्रोस रिप्रोस करके एग्स देगा जिस प्लांट पे खाएगा जिस प्लांट के ऊपर डिपेंड रहेगा उसी प्लांट के लीव्स के नीचे ये अपने एग्स प्रोड्यूस करेगा तो ये जो एग्स गए ये एग्स फिर से हैच होंगे और ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहेगा तो यहाँ पे सिल्क फॉर्म मतलब क्या सिल्क फॉर्म में क्या होगा सिल्क सेरिकल्चर uh, में क्या होगा सेरिकल्चर में इतना ही स्टेप्स होगी सेरिकल्चर में इतना ही स्टेप्स होगा ये इसको प्रोडक्शन नहीं करेगी बटरफ्लाई का प्रोडक्शन ये नहीं करेगी ये एक्स डेवलप करेगा बटरफ्लाई से एक्स डेवलप करने के बाद यहाँ पे वर्म डेवलप होगा वर्म वर्म को फीडिंग देंगे फीडिंग देने के बाद ककून फॉर्म होगा और ककून ये गर्म पानी में शिफ्ट कर देंगे जब गर्म पानी में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा अंदर का वर्म मरेगा और ये जो धागे ये धागे सेपरेट हो गए ये धागे क्या हुए सेपरेट हो गए और उसी को हम क्या कहेंगे सिल्क उसी को हम क्या कहेंगे सिल्क तो इसमें हमें क्वेश्चन पूछा है कि विच फॉलोइंग प्लांट लीव्स आर नॉट यूज फॉर रेयरिंग ऑफ सिल्कन ऐसे जो प्लांट लीव्स होंगे ऐसे प्लांट लीव्स कौन से ऐसे प्लांट लीव्स होंगे जो हम नहीं यूज करेंगे ऑप्शन में से जो हम नहीं यूज करेंगे इसमें से दिया है मलबरी कैस्टर ओक और सगुन यहाँ पे मलबरी यूज करेंगे हम सही मलबरी यानी तूती वाला बोलेंगे कैस्टर <coughs> Uh, कैस्टर एरंडेल भी कहेंगे जिनसे ऑयल uh, निकाला जाता है जिनसे ऑयल निकाला जाता है ओक ओक ट्री ओक ट्री ये कोन्स आएंगे इसको, ये ऐसे कॉन्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे कॉन्स आएंगे ओक ट्री और सगुन मतलब साग वाला ट्री साग वाला ट्री ये साग वाला ट्री यहाँ पे ऑप्शन गलत होगा साग के पन्नों के ऊपर सिल्क फर्म कभी नहीं रहेगा सिल्क फर्म वहाँ पे नहीं रहेगा एक तो बड़ा होगा वो सबसे बड़ा ट्री होगा लंबा ट्री होगा लंबा ट्री होगा तो उसके पत्ते भी बड़े हो गए उसके पत्तों में कुछ कंटेंट होगा जो ये सिल्क फर्म डाइजेस्ट नहीं कर सकता तो ये उसके ऊपर नहीं डिपेंड रहेगा यहाँ पे मलबरी होगा यहाँ पे मलबरी कैस्टर ओक ये सही रहेगा सगुन यहाँ पे नहीं रहेगा शगुन गलत होगा तो ऑप्शन डी यहां पे सही होगा ऑप्शन डी यहां पे सिल्क वर्म रेरिंग में यूज नहीं करेगी ठीक विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज कोल्ड ब्रेडेड अभी अभी मैंने कुछ क्वेश्चन के पहले इनका डेफिनेशन बताया था कोल्ड ब्रेडेड और हॉट ब्रेडेड कोल्ड ब्रेडेड मतलब कि जो अपना टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं एनवायरमेंट के हिसाब से और हॉट ब्लेडेड मतलब एनवायरमेंट अगर चेंज हुआ तो अपना टेम्परेचर वो चेंज नहीं कर सकते मेंटेन रहेगा यानी मैमल यानी हम आदमी लोग यानी ह्यूमंस ह्यूमंस क्या ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर कितना होगा 37 डिग्री सेल्सियस तो 37 डिग्री सेल्सियस ये मेंटेन रहेगा किसी भी कंडीशन में जाओ अगर बाहर का टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस होगा तो भी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा 37 डिग्री सेल्सियस ही होगा अगर बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस होगा तो भी बॉडी का टेम्परेचर थर्टी डिग्री सेल्सियस ही होगा यानी ये क्या करेगा मेंटेन करेगा उसे क्या कहेंगे हॉट ब्लडेड या फिर वार्म ब्लडेड एनिमल लेकिन यहाँ पे पूछा है कि कोल्ड ब्लडेड कौन सा है विच इज द कोल्ड ब्लडेड एनिमल तो इसमें इसमें से क्या करना है अभी मैमल्स को निकाल दे रहा है तो मैमल्स कौन से होंगे एक तो डॉल्फिन होगा टॉयट होगा ये तो हम बोल सकते हैं, ठीक है इसमें से व्हेल जो होगा इसमें से व्हेल जो होगा ये मैमल होगा ग्रेट व्हेल बड़ा व्हेल और शार्क ये मैमल नहीं ये एक्वेटिक एनिमल है शार्क क्या है फिश कॉन्ड्रियोक्थाइस भी कहेंगे इसको शार्क को कॉन्ड्रियोक्थाइस इस क्लास में शिफ्ट कर सकते हैं अब कॉन्ड्रियोक्थाइस मतलब जिसके बोन्स जो होंगे वो कार्टिलेज से बने होंगे जिसके बोन्स कार्टिलेज से बने उसे क्या कहेंगे कॉन्ड्रियोक्थाइस तो ये शार्क जो होगा शार्क क्या करेगा एक्वेटिक होगा और एक्वेटिक जो होगा तो इसके बोन्स कार्टिलेज से बने होंगे कार्टिलेज कार्टिलेज मतलब ये अपना नाक या फिर कान कान का जो बोन से ये फ्लेक्सिबल बोन है ऐसे उनके काटे होंगे ऐसे उनके बोन्स होंगे फ्लेक्सिबल बोन इनमें प्रेजेंसी दिखाएगा इसलिए शार्क यहाँ पे क्या होगा सही आंसर होगा बाकी बाकी जो हो गए ये तीनों डॉल्फिन वेल और टॉटोइ ये वार्म ब्लडेड हो गए शार्क सिर्फ क्या होगा कोल्ड ब्लडेड एनिमल यानी शार्क यहाँ पे सही आंसर होगा और बाकी ए सी और डी ये गलत होगा यहाँ पे लिविंग थिंग्स आर ग्रुप्ड इनटू सब ग्रुप लाइक प्लांट्स किंगडम या फिर एनिमल किंगडम ठीक है लिविंग थिंग्स के स्टडी करने के लिए हमने कुछ ग्रुप्स बनाए उन्हें किंगडम कहेंगे तो ऐसे ही किंगडम प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम हमने हमने बनाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ऑफ एनिमल किंगडम तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ये जो दिए स्टेटमेंट इस इसमें से कौन से स्टेटमेंट गलत है नॉट करेक्ट नॉट करेक्ट मतलब गलत है एनिमल किंगडम के बारे में एनिमल किंगडम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है ठीक तो देखेंगे एक एक स्टेटमेंट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड ये अपना फूड नहीं बना सकते सही होगा ये सही है बॉडी कंटेंट सेल्यूलोस इनके बॉडी में सेल्यूलोज होगा सेल्यूलोज होगा तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बॉडी में सेल्यूलोज नहीं होगा सेल्यूलोज प्लांट के बॉडी में होगा सेल्यूलोज सिर्फ प्लांट के बॉडी में होगा एनिमल <coughs> के बॉडी में नहीं होगा डू नॉट हैव क्लोरोफिल हाँ इनमें क्लोरोफिल नहीं होगा ये भी सही होगा माइग्रेट फॉर्म वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये भी सही होगा सही है यानी ऑप्शन बी ये जो होगा ये गलत होगा तो इसमें से कैनॉट मेक देयर ओन फूड ये अपना खुद फूड फूड का खुद का फूड नहीं बना सकते ये अपना खुद का फूड नहीं बना सकते मतलब कि ये ऑटोट्रॉफिज्म नहीं दिखा सकते यानी क्लोरोफिल पिगमेंट इनमें प्रेजेंट नहीं होगा क्लोरोफिल पिगमेंट इनमें प्रेजेंट नहीं होगा अब ये माइग्रेट होंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ हो सकते यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ये माइग्रेट हो सकते और इस प्लेस से फिर से अपने प्लेस पे आ सकते हैं माइग्रेट हो सकते जैसे प्लेन से हम ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में भी मैमल्स है एनिमल्स है अमेरिका में भी एनिमल्स है ये क्या हुआ ये माइग्रेट माइग्रेशन के हिसाब से ये क्या हुआ है इनका डाइवर्सिटी फॉर्म हुआ है सिर्फ इनके बॉडी में सेल्यूलोज नहीं होगा सेल्यूलोज सिर्फ किसके बॉडी में होगा प्लांट बॉडी में सेल्यूलोस होगा प्लांट सेल में मोस्टली सेल्यूलोस कंटेंट यहाँ पे होने वाला है ठीक नेक्स्ट <coughs> अगर देखें तो हु डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूसिंग फंगस फ्रॉम पेनीसिलियम जीनस तो पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक्स किसने ढूंढा था पेनिसिलियम नोटाटम ये जो स्पेसिस होगा फंगस का पेनिसिलियम नोटाटम इससे किस साइंटिस्ट ने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ढूंढा था कि जो मोस्टली डिसीजेस पे काम आता है या फिर पेन किलर काम आएगा तो यहाँ पे देखिए लुइस पाश्चर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये पता ही होना चाहिए कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का डिटेक्शन किया था पेनिसिलिन का फर्स्ट एंटीबायोटिक फर्स्ट एंटीबायोटिक ढूंढने वाला ये पहला साइंटिस्ट था जिसने फंगस से एंटीबायोटिक निकाला था यानी फंगस अब एंटीबायोटिक मतलब क्या ये पहले देख लेंगे ये तो पता है कि इसका आंसर क्या होगा बी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ठीक ये बी आंसर होगा तो बाकी के आंसर क्या करेंगे लुइस पास्चर लुइस पाश्चर ने क्या किया था अबेनेसिस थ्योरी प्रोड्यूस किया था तो थ्योरी ऑफ अबायो सॉरी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस बायोजेनेसिस थीरी में उसने क्या कहा था कि एक जो ऑर्गेनिज्म होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म वो लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकता है यानी अर्थ पे जो लिविंग थिंग्स है वो प्रेजेंट है किससे प्रीवियस लाइफ से उसके प्रीवियस लाइफ से ही प्रेजेंट है लेकिन इस थेरी में उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि ये जो लाइफ होगा अगर फर्स्ट लाइफ होगा तो इससे पहले ये कहाँ से आया होगा इससे पहले यह कहाँ से आया होगा? ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया इसलिए हम इसे क्या कहेंगे बायोजेनेसिस यानी लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस होना या फिर दूसरा मेथड पास्चराइजेशन मेथड इन्होंने ढूंढा अब पास्चराइजेशन मेथड यू मोस्टली मिल्क जो होगा दूध इनमें यह पाया जाएगा अब देखिए कि जो भी आप दूध का पाउच लेंगे तो उस पाउच के ऊपर लिखा होगा पाश्चराइज मिल्क उस पाउच के ऊपर लिखा होगा पाश्चराइज मिल्क तो पाश्चराइज मिल्क मतलब उस प्रोसेस से उसको स्टेरिलाइज किया गया है अब स्टेरेलाइज किया गया मतलब कैसे स्टेरिलाइज किया जाएगा अगर दूध आया अगर किसी डेरी में समझिए अगर यहां पे मिल्क आया अगर मिल्क आया तो इस मिल्क को क्या करेंगे वो पहले कंटिन्यूसली 64 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे 64 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने के बाद इसको इसका टेम्परेचर झट से लो कर देंगे इसका टेम्परेचर झट से क्या करेंगे लो कर देंगे यानी झट से 10 डिग्री सेल्सियस पे उसको रख देंगे जब ऐसा करेंगे तो जब बढ़ाएंगे टेम्परेचर जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो कम टेम्परेचर वाले ऑर्गेनिज्म होंगे वो कील हो जाएंगे और ज़्यादा टेम्परेचर वाले ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रहेगे लेकिन जब झट से हम कम करेंगे तो उनको वहाँ पे अडेप्ट होने का जगह नहीं मिलेगा वो क्या होगा वो भी वहाँ पे किल होगा यानी पास्चराइज मिल्क मतलब वहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होगा वहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होगा अगर इस मेथड में कोई प्रॉब्लम हुआ तो कभी कभी क्या होता है जो आप पाउच लाते हो वो फटा हुआ दूध भी मिलता है कभी कभी तो फटा हुआ दूध मिलता है किसकी वजह से क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस उन्होंने सही ढंग से नहीं किया इसलिए वो जो बैच होगा वो बैच पूरा कोलैप्स हो जाएगा ठीक अलेक्जेंडर फ्लेम ने पेनिसिलियम ढूंढा ठीक स्टैंडले प्रजनर स्टैंडले प्रजनर इन्होंने प्रियांश के बारे में बताया था प्रियांश प्रियांश मतलब क्या होगा प्रियांश अब देखिए कि ह्यूमन बॉडी होगा ये समझिए ये ह्यूमन बॉडी ठीक ह्यूमन बॉडी के ऊपर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे कि जो अटैक करके डिसीज प्रोड्यूस कर सकते हैं यानी बैक्टीरिया होगा फंगस होगा वायरस होगा ये पता है हमें फंगस भी अटैक कर सकता है डिसीज प्रोड्यूस कर सकता है बैक्टीरिया वायरस भी अटैक कर सकता है डिसीज प्रोड्यूस कर सकता है इसमें से, इस से सबसे बड़ा जो होगा यानी आकार से आकार से जो सबसे बड़ा होगा वो फंगस होगा या फिर प्रोटोजोआ भी कर सकता है प्रोटोजोआ भी क्या कर सकता है डिसीज प्रोड्यूस कर डिसेंट्री वगैरह ये प्रोड्यूस कर सकता है प्रोटोजोआ हो बड़ा होगा उससे छोटा फंगस होगा इससे छोटा बैक्टीरिया होगा इससे छोटा वायरस होगा इससे छोटा वायरस होगा अब वायरस से भी छोटा ऑर्गेनिज्म होगा कि जो डिसीज प्रोड्यूस करेगा जिसे क्या कहेंगे वीरोइड्स। जिसे क्या कहेंगे वीरोइड्स। अब वीरोइड्स भी क्या करेगा डिसीज प्रोड्यूस करेगा विरायड से भी छोटे ऑर्गेनिज्म कि जो डिसीज प्रोड्यूस करेगी उन्हें प्रियांश कहेंगे इन्हें क्या कहेंगे प्रियांश? यानी ये ऑर्गेनिजम नहीं होगा ये प्रोटीन्स होगी कि अगर ये प्रोटीन्स हमारे बॉडी में चले गए किसी भी वेक्टर के साथ या फिर किसी भी फल के साथ तो हमारे बॉडी में न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज फॉर्म हो सकता है यानी हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कोलैप्स होकर आदमी एक तो मेंटल इम्बेलेंस खो देगा या फिर डेड भी हो सकता है न्यूरोनरेटिव डिसीज यहां पे फॉर्म होगा तो इसमें क्या होगा प्रोटोजोआ फंगाई बैक्टीरिया वायरस और प्रियॉन्स ये सारे ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? डिसीज प्रोड्यूस कर सकते हैं <coughs> तो इसमें से जो स्टैंडली प्रोजनर है उन्होंने क्या कहा था कि जो प्रियांश है ये प्रियांश डिसीज प्रोड्यूस करेंगे ये प्रियांश डिसीज प्रोड्यूस करेंगे तो इसमें से हमने ये ये जो सीक्वेंस लगाया ये आकार के बेसिस पे लगाया ये सबसे बड़ा आकार इसका होगा उससे छोटा इससे छोटा इससे छोटा इससे छोटा और सबसे छोटा प्रियांश होगा सबसे छोटा प्रियांश होगा तो ये इन्फेक्ट कैसे करेगा ये इन्फेक्ट कैसे करेगा प्रोटोजोआ पूरा का पूरा बॉडी दूसरे के बॉडी में शिफ्ट कर देगा प्रोटोजोआ पूरा का पूरा बॉडी यानी अमीबा अगर तो होगा अमीबा ये पूरा ब्लड में शिफ्ट हो जाएगा अमीबा पूरा ब्लड में शिफ्ट होगा यानी पूरा एक सेल जो होगा वो पूरा ब्लड में शिफ्ट हो जाएगा फंगस विथ स्पोर ये क्या करेगा विथ स्पोर ये शिफ्ट होगा दूसरे के बॉडी में बैक्टीरिया बैक्टीरिया छोटा होगा बैक्टीरिया छोटा होगा तो बैक्टीरिया छोटा होगा तो क्या होगा यहाँ पे <coughs> बैक्टीरिया भी क्या करेगा पूरा बैक्टीरिया बॉडी में शिफ्ट हुआ अगर वायरस देखेंगे तो वायरस पूरा बॉडी शिफ्ट नहीं होगा वायरस क्या करेगा सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल शिफ्ट करेगा ये डीएनए होगा या आरएनए होगा जो भी होगा ये वायरस क्या करेगा दूसरे के बॉडी में शिफ्ट सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल शिफ्ट करेगा और ये डिसीज प्रोड्यूस करेगा अब और विरायड्स क्या होगी विरायड्स सिर्फ इतना पार्ट होगा यानी जेनेटिक मटेरियल होगा लेकिन इस जेनेटिक मटेरियल में सिर्फ क्या होगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए सिंगल एगल स्टैंडर्ड आर ये विरायड्स होगा इसमें ऐसा कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं होगा यानी अगर देखा जाए वयड्स वायरस में वायरस में क्या होगा कि ये आउटर मेम्ब्रेन होगा और उसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होगा लेकिन इसमें ऐसा कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं होगा वीरोयड्स से वॉयड्स में क्या होगा डायरेक्टली एक सिर्फ आर एन ए का मॉलिक्यूल्स होगा कि जो शिफ्ट होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर ये शिफ्ट हुआ तो क्या होगा डिसीज प्रोड्यूस करेगा जिसे हम वॉयड्स कहेंगे अब ये सारे डिसीज कैसे प्रोड्यूस करेंगे जो भी ऑर्गेनिज्म है ये अपना खुद का मशीनरी फॉर्म करेगा खुद का मशीनरी यहाँ पे फॉर्म करने वाला है यानी अगर ये ऑर्गेनिज्म होगा उसका न्यूक्लियस न्यूक्लियस में क्या होगा उसका जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए यानी डीएनए होगा ठीक अब डीएनए से पहले ये आर फॉर्म करेगा डी से पहले आर फॉर्म करेगा तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन इस प्रोसेस को क्या कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन और जब आरएनए से प्रोटीन फॉर्म होगा आरएनए से प्रोटीन फॉर्म होगा तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे ट्रांसलेशन इस प्रोसेस को क्या कहेंगे ट्रांसलेशन हम कहेंगे इस प्रोसेस को ठीक है यानी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये दोनों को पकड़ के हम सेंट्रल डोगमा कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये दोनों को पकड़ के हम सेंट्रल डोगमा कहेंगे <coughs> तो यहाँ पे प्रोटीन फॉर्म हो रहा है यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है प्रोटीन अगर प्रोटीन सही ढंग से फॉर्म हुआ तो इससे वायरस भी क्रिएट हो सकता है या फिर बैक्टीरिया अपना डिसीज फॉर्म कर सकता है तो ये प्रोटीन अगर हमारा बॉडी बनाएगा तो हम उसे प्रियॉन्स भी कहेंगे या फिर दूसरे के बॉडी से हमारे बॉडी में शिफ्ट होगा तो इसे कहेंगे कहेगी प्रिय मतलब डिफेक्टिव प्रोटीन्स प्रियॉन्स मतलब क्या होगा डिफेक्टिव प्रोटीन्स अब अगर रॉबर्ट हुक दे, देखा जाए तो रॉबर्ट हुक इन्होंने क्या किया था सेल ढूंढा था पहला सेल देखा था विद द हेल्प ऑफ कॉर्क 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 में इन्होंने सेल डिटेक्ट किया था या फिर लॉज ऑफ इलास्टिसिटी यानी फिजिक्स से भी रिलेट करेंगे लॉज ऑफ़ इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी मतलब क्या बोलेंगे उसको तानने का धर्म जो होगा कोई भी चीज़ का वो कैसे होगा उसके लॉज क्या हो लॉज ऑफ इलास्टिसिटी ठीक है इसमें सही आंसर क्या आएगा सर अलेक्जेंडर फ्लेमी इन्होंने पेनिसिलिन का डिटेक्शन किया था तो क्यों किया था कैसे किया था देखिए यहाँ पे <coughs> इनका रिसर्च चल रहा था स्टेपलोकोकस पे स्टैपेलोकोकस बैक्टीरिया पे कि इस बैक्टीरिया पे इनको मेडिसिन ढूंढना था तब ये बैक्टीरिया डिसीज प्रोडक्शन में सबसे अव्वल नंबर पे था तो ऐसे ही करते करते उन्होंने लैब में यानी लैब में क्या करते थे वो कि बैक्टीरिया का कल्चर करते थे उस पर कोई चीज़ डालते थे कि जिससे ये बैक्टीरिया मर जाए ऐसा होता तो नहीं था लेकिन और और उसके बाद उसके बाद ये प्लेट धो के वो रख देते थे धो के वो रख देते थे रख देते थे और निकल जाते थे दूसरे दिन आते थे फिर से एक्सपेरिमेंट करते थे तो एक दिन क्या हुआ एक दिन ये स्टेपलोको कोकस का उन्होंने न्यूट्रिय मीडियम बनाया उस पर बैक्टीरिया ग्रो किया और उस पर कुछ केमिकल शिफ्ट किया बॉर्डर या कुछ केमिकल शिफ्ट किया और उसे धोना भूल गए और उसे डिस्कार्ड करना भूल गए वो घर निकल गए दूसरे दिन आए तो उस प्लेट में वहाँ पे एक फंगस डेवलप हुआ, हुआ मिला उनको वहाँ पे एक फंगस डेवलप हुआ मिला फंगस तो मिला लेकिन उसके बाद यहाँ पे बैक्टीरिया का कॉलनी नहीं मिला उनको तो उन्होंने सोचा कि ये बैक्टीरिया को किल कर सकता है ये जो फंगस है ये बैक्टीरिया को मार सकता है तो ये फंगस कैसे मार सकता है ये बैक्टीरिया को कैसे मार सकता है तो एक्चुअली ये बैक्टीरिया फंगस के स्पोर पे अटैक करने वाला ये बैक्टीरिया क्या करेगा फंगस के स्पोर पे अटैक करेगा और फंगस अपने बचाव में एक केमिकल सीक्रेट करेगी उसे इंटरफेरॉन्स कहेगी कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में भी देखेंगे अगर ये हमारा सेल होगा और ये कोई बैक्टीरिया होगा अगर बैक्टीरिया हमारे बॉडी पे अटैक किया एक सेल पे तो ये सेल क्या करेगा सिग्नल भेजेगा दूसरे सेल को सिग्नल भेजेगा दूसरे सेल को तो ये दूसरा सेल क्या करेगा अपने प्रोटेक्शन में एक केमिकल सीक्रिट कर देगा आउटर स्ट्रक्चर में उसे क्या कहेंगे इंटरफेरॉन्स तो ये इंटरफेरॉन्स होगा तो जब ये बैक्टीरिया डिवाइड होके दूसरे सेल पे जाएगा तो ये इस सेल के अंदर नहीं जा सकता यानी सेल क्या करेगी खुद को प्रोटेक्ट करेगी खुद को प्रोटेक्ट करेगी और उस बैक्टीरिया को ये जो केमिकल होगा वो किल करेगा तो वही पेनीसिलियम नोटाटम ने किया कि खुद के प्रोटेक्शन में एक केमिकल सीक्रेट किया जो बैक्टीरिया को किल करेगा और सर अलेक्जेंडर फ्रेम ने उस केमिकल को एक्सट्रैक्ट करके एंटीबायोटिक बनाया जिसे पेनीसिलीन कहेंगे जिसे क्या कहेंगे पेनीसिलीन और उस एंटीबायोटिक के नाम पे ही इनका नाम गिरा ये ये जो फंगस है इसका नाम गिरा पेनीसिलियम नोटैटम ठीक नेक्स्ट अगर देखें तो विच ऑफ द फॉलिंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यू कैरोटिक ऑर्गेज्म इसमें से यू कैरेटिक ऑर्गेनिजम कौन सा होगा ऑर्गेजम दो तरह के होंगे एक तो यू कैरेटिक या फिर प्रो कैरोटिक यानी हमें क्या पूछा है नॉट यू कैरेटिक यानी हमें पूछा है कि प्रो कैरेटिक ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा हमें पूछा है यहाँ पे कि प्रो कैरेटिक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे कौन सा होगा <coughs> तो देखिए अगर देखेंगे यू कैरेटिक और प्रो कैरेटिक <coughs> Prokaryotic और यू दो दो होंगे। अब प्रो मतलब क्या होगा कि जिसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं हुआ है जिसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं हुआ है और यू मतलब जिसका न्यूक्लियस डेवलप हुआ है मतलब ये अगर ऑर्गेनिज्म होगा तो इसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं हुआ है ये डायरेक्टली साइटो से कनेक्ट होगा इसका ऑर्गेनजम साइटो से कनेक्ट होगा और दूसरा जो होगा इस ऑर्गेनिज्म में पहले न्यूक्लियस डेवलप हुआ है तो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होगा न्यूक्लियस के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होगा और इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है डायरेक्टली बाहर साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे प्रो और इस ऑर्गेनिज्म को यू -karyotes. तो हमें पूछा है कि यू कैरियोटिक ऑर्गेजम कौन सा होगा कि जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा इन शॉर्ट कि जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा तो अगर ईस्ट का स्टडी किया जाए तो ईस्ट में न्यूक्लियस होगा बैक्टीरिया का स्टडी किया जाए तो बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होगा यानी बैक्टीरिया प्रो होगा प्लांट्स में भी न्यूक्लियस होगा ह्यूमन बॉडी में भी न्यूक्लियस होगा तो इसमें से सही जो आंसर है वो कौन सा आएगा बैक्टीरिया बैक्टीरिया क्या होगा प्रो कैरेटिक ऑर्गेजम होगा तो हमें क्वेश्चन में वही पूछा है लेकिन उल्टे ढंग से ऐसे नहीं पूछा विच इज द प्रो कैरेटिक ऑर्गेज्म ऐसे पूछा कि विच इज नॉट द यू कैरोटिक ऑर्गेजम विच इज नॉट यू कैरोटिक ऑर्गेजम यानी हमें प्रो कैरोटिक ऑर्गेजम यहां पे ढूंढना है ठीक <coughs> नेक्स्ट अगर देखें तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट यहां पे कुछ स्टेटमेंट दिए यहां पे कुछ स्टेटमेंट को कंसिडर किया जा सके देखिए ऑल इकाइनोडर्म्स आर नॉट मरीन स्पॉन्जेस आर एक्सक्लूसिवली मरीन इंसेक्ट्स आर फाउंड इन ऑल काइंड ऑफ हैबिटेट्स और मेनी प्लाइमेट्स आर अरबूर चार स्टेटमेंट दिए और चारों स्टेटमेंट में बताया गया है क्या विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाउ इज आर आर करेक्ट इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इनमें से कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है <coughs> तो ऑल इका इकानोडम्स आर मरीन आर नॉट मरीन ऑल इकानोडम्स आर नॉट मरीन सारे के सारे इकाइनोडम्स होंगे हो वो मरीन नहीं होंगे अब इकाइनोडम्स इकाइनोडम्स मतलब क्या होगा इसमें इकाइनोज इकाइनोज मतलब स्पाइन इकाइनोज मतलब स्पाइन डम्स डम्स मतलब स्कीन स्किन यानी इनके स्किन के ऊपर क्या होंगे काटे होंगे इनके स्किन के ऊपर काटे होंगे उन्हें किसमें डाला जाएगा इकाइनोडम्स तो पहला स्टेटमेंट दिया है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म की जिनके बॉडी के ऊपर काटे होंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म सारे के सारे मरीन नहीं होंगे, सही होगा यानी ये करेक्ट हो सकता है तो क्वेश्चन क्या है विच आर द स्टेटमेंट गिवन अबाउ इज आर करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है तो यहाँ पे इकाइनोडोम्स इकाइनोडॉम्स होंगे वो सारे के सारे मरीन नहीं होंगे तो ये गलत होगा ये गलत होगा ये जो है ये गलत होगा क्योंकि सारे मरीन जो होंगे मोस्टली स्टार फिश स्टार फिश स्टार फिश किस में आएगा इकाइनोडन में उसके बॉडी के ऊपर काटे होंगे उसके बॉडी के ऊपर काटे होंगे तो ये काटे हो गए ये प्रोटेक्शन के लिए हो गए प्रोटेक्शन कहाँ होगा जहाँ पे एक बड़ा हब होगा जहाँ पे एक बड़ा हब होगा तो बड़ा हब किसमें होगा समंदर में और समंदर का पानी खारा होगा और खारे पानी को हम मरीन भी कहेंगे खारे पानी को हम मरीन भी कहेंगे स्पॉन्जेस आर एक्सक्लूसिवली मरीन स्पॉन्जेस ही मरीन हो लेकिन ऐसा नहीं होगा स्पॉन्जेस मतलब क्या होंगे? गए ऐसे ऑर्गेनिज्म के, ऑर्गेनिज्म के कि जो एक सबस्ट्रेटम से चिपके हुए होंगे किसी भी सबस्ट्रेटम से या फिर किसी ओ, पत्थर से चिपके हुए होंगे किसी पत्थर से ये चिपके हुए होंगे तो इनके बॉडी में होल्स होगी इनके बॉडी में क्या होंगे होल्स होंगे और सबसे ऊपर एक बड़ा सा होल होगा तो ये जो छोटे छोटे होल्स होंगे ये ऑस्टिया इन्हें क्या कहेंगे ऑस्टिया और ये बड़ा वाला होल्स होगा ये ऑस्कुलम इसे क्या कहेंगे ऑस्कुलम तो ऑस्टिया और ऑस्कुलम ऑस्टिया से क्या होगा ये वाटर अंदर लेगा और ऑस्कुलम से वाटर बाहर शिफ्ट करेगा जब ऑस्टिया से अंदर लेगा वाटर तो जो वाटर में जो भी मिनरल्स हो जो भी एलिमेंट हो जो भी न्यूट्रिशन हो वो ग्रैप करेगा बॉडी के अंदर और जो अनवांटेड पार्ट हो यानी नाइट्रोजन वेस्ट वो ऑस्कुलम से बाहर शिफ्ट कर देगा ये इसका मेकेनिज्म हुआ तो मोस्टली ये स्पॉन्जेस आर एक्सक्लूसिवली मरीन ये भी क्या होगा सारे के सारे स्पॉन्जेस मरीन होंगे तो ये यहाँ पे गलत होगा सारे स्पॉन्जेस मरीन नहीं होंगे कुछ स्पॉन्जेस फ्रेश वाटर में भी रहेंगे। नेक्स्ट क्या है इंसेक्ट आर फाउंड इन ऑल काइंड ऑफ हैबिटेट्स इंसेक्ट ये पूरे के पूरे हैबिटेट में रह सकते तो अगर देखा जाए तो इंसेक्ट एक्वेटिक इंसेक्ट कोई नहीं होगा यानी एक्वेटिक इंसेक्ट होगा लेकिन कैसा होगा अगर ये पानी तो पानी के ऊपर ये इंसेक्ट रहेगा ऐसा होगा कुछ देर के लिए पानी के अंदर जाएगा और झट से हुए ऊपर आ जाएगा ऐसा भी होगा लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई इंसेक्ट अंदर ही कोई इंसेक्ट अंदर ही फिश जैसा ये बिहेव करेगा ऐसा नहीं होगा ऐसा कोई इंसेक्ट नहीं होगा यानी ये एक हैबिटेट क्या होगा ये कोलैप्स हो गया यानी सारे के सारे इंसेक्ट सारे हैबिटेट्स में जी सकते ये कुछ इंसेक्ट सारे हैबिटेट्स में जी सकते ये स्टेटमेंट भी गलत होगा मेनी प्राइमेट्स आर अर्बोरियल बहुत सारे प्राइमेट से अर्बोरियल हो गए अर्बोरियल मतलब कि जो ट्रीज पे रहेंगे जो ट्रीज पे रहेंगे, अब जो ट्रीज पे रहेंगे उन्हें क्या कहेंगे अर्बोरियल एडेप्टन जो ट्रीज पे रहेंगे उन्हें क्या कहेंगे अर्बोरियल एडेप्टन तो यहाँ पे जो अर्बोरियल एडेप्टन होगा देखिए अर्बोरियल एडाप्टन मतलब कि अब प्राइमेट्स प्राइमेट्स में हम भी आएंगे प्राइमेट्स में क्या होगा हम भी यहाँ पे आएंगे प्राइमेट्स में हम आएंगे तो हम क्या अभी पेड़ पे रहेंगे नहीं हम अभी पेड़ पे नहीं रहेंगे तो ये स्टेटमेंट गलत होगा तो इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सा होगा भाई तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाउ इज आर करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा ये स्पॉन्जेस आर एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिवली मरीन स्पॉन्जेस मरीन ही हो ये सही होगा ये भी सही होगा बहुत सारे इंसेक्ट हैबिटेट में मिलेंगे यानी वाटर एक्टिक में मिलेगा लेकिन एक्टिक में पूरा वो एक्वेटिक नहीं मिलेगा पूरा एक्वेटिक नहीं मिलेगा इस ये भी स्टेटमेंट हम लेकिन ऑल नॉट मरीन ये टोटली गलत होगा ये भी टोटली गलत होगा ये दो जो है ये दो भी गलत हुए ये दो भी गलत हुए एक्सक्लूसिवली मरीन ये तो सही होगा एक्सक्लूसिव मरीन ये तो मरीन होगा ये गलत है यह भी गलत है ठीक है यानी ऑप्शन कौन सा ऑप्शन बी सही है यहाँ पे ऑप्शन बी क्या होगा सही होगा यानी इंसेक्ट आर फाउंड इन ऑल काइंड ऑफ हैबिटेट इंसेक्ट सारे काइंड में सारे हैबिटेट में मिलेगा ऐसा नहीं होगा ये गलत होगा या फिर मैनी प्राइमेट्स आर आर्बोरियल सारे यानी कुछ प्राइमेट्स आर्बोरियल हो गए होगे लेकिन सारे बहुत सारे प्राइमेट्स आर्बोरियल नहीं हो गए जैसे कि हम हम आर्बोरियल नहीं है तो ये जो तीन स्टेटमेंट है ये क्या होंगे यहाँ पे करेक्ट गलत होंगे यहाँ पे ठीक तो अगर इनमें अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप पूछ सकते हो जो हमने डिस्कशन किया इनमें अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो पूछ सकते हो थैंक यू